हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वुमेन मिलिट्री पुलिस 2024 की। इसमें कितना फॉर्म आपका अप्लाई हुआ है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है और इस बार कट ऑफ क्या रहेगा, इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। आगे आप जाने के 2-4 तारीख को, यानी 2-4 दिन के बाद 29 तारीख को आप इसकी वैकेंसीज की जो एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपकी जानना ज़रूरी है, कट ऑफ्स आपके माइंड में होना चाहिए। तो बात करूंगा अगर वुमेन मिलिट्री पुलिस की, देखिए ये एक अग्निवीर ट्रेड है जहां पर पहले मेल मिलिट्री पुलिस होते थे, लेकिन बीच में सेना को ये खामी नज़र आया कि जो आर्मी कपल्स रहते या फिर कोई भी लड़की का जो मामला होता है वो मेल मेंबर्स हैंडल नहीं कर पा रहे थे, तभी जाके इंडियन आर्मी क्या किया, इंट्रोड्यूस किया वुमेन मिलिट्री पुलिस को। और वुमेन मिलिट्री पुलिस की वैकेंसीज हर साल आता है। इस साल की जो प्लान है आपकी 11 रैली का प्लान है, 11 जगहों पर रैली होगा, तो और 96 टोटल रैली होगा जिसमें 11 वुमेन मिलिट्री पुलिस की रैली होगा। तो यहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा चांसेस है ऑल इंडिया वैकेंसी पे सेकंड स्टेज का भी वैकेंसीज आएगा। लेकिन जैसे मैं बोलता हूँ गर्ल्स कि सेकंड वैकेंसी को क्या वेट करना, कब आएगा कोई नहीं बोल सकता, ठीक है। तो इसलिए जो फर्स्ट वैकेंसीज आपको मिल रहा है इस पर चौका मारना आपके लिए ज़रूरी होगा। पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा भाई, यहाँ पर कट ऑफ बहुत हाई जाता है क्योंकि इसकी सीट रहता है टोटल 99। कितना? 99 टोटल वैकेंसीज आपका क्या है इस बार, 99 फॉर्म आपका अप्लाई हुआ है, 50,000 फॉर्म अप्लाई हुआ है ना, 50,000 लड़कियों ने इस फॉर्म को अप्लाई किया है, सीट आपका है 99। और कट ऑफ क्या रहेगा, देखिए कट ऑफ से जाने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा, कट ऑफ बनता कैसा है। एक कट ऑफ तो ये होता है कि आपको रिटिन क्लियर करने के बाद बाकी चीज़ें करवाता है, जैसे CEE कितना, जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट लिस्टिंग कट ऑफ। एक होता है मेरिट लिस्ट कट ऑफ, आपको इंपॉर्टेंट मेरिट लिस्ट कट ऑफ है, शॉर्ट लिस्टिंग कट ऑफ से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको जॉब चाहिए ना गर्ल्स, तो आपको मेरिट लिस्ट कटअप के साथ जाना चाहिए। पहला इसकी जो फिजिकल्स का मार्क और जो रिटिन का मार्क, ये दोनों जुड़ता है। जैसे अपना AMC में NA हो गया, सिपाही फरमा, इनकी फिजिकल से कोई मतलब नहीं है, इनको रिटिन से मतलब है। लेकिन यहाँ पर ये एक अग्निवीर GD ट्रेड का है और WMP है, वुमेन मिलिट्री पुलिस है, तो यहाँ पर जो आपका फिजिकल होगा गर्ल्स, वहाँ से 100 में से 100 लाना ही होगा आपको। इसका तो कोई मतलब भी नहीं कि आप इसको कम कर दो, अगर इसको कम करोगे तो मेरिट लिस्ट में बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको कि आपके नंबर आए। तो फिजिकल में आपकी जो भी रनिंग है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, जो भी है आपकी, वहाँ से आपको 100 से 100 लाना ही होगा, ठीक है। उसके बाद आपकी जो रिटिन होगा वो 50 मार्क का रिटिन होगा, 50 क्वेश्चन का रिटिन होगा, 100 मार्क का आपका क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर से आपको मिनिमम 40 से 42 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, पहले फिजिकल में 100 और क्वेश्चन 42, 40 से लेके 42, ठीक है। तो अगर आपकी मार्क्स 180 के ऊपर जाएगा 200 में से, तब आप सोचना कहीं कि मेरा नौकरी पक्का है। यहाँ पर 180 से ऊपर, 180 भी नहीं, 182, 84, 85, 185, क्योंकि ये गर्ल्स 50,000 गर्ल्स ने अप्लाई किया है और उसमें 99 की वैकेंसीज है। उसमें और एक चीज़ ऐड होता है यहाँ पर, जैसे आप NCC किया है, जैसे मान लीजिए आपके साथ वाला NCC किया हुआ है, दोनों ने आप 180 लाया, वो भी 180 लाया, अभी उसका CEE सर्टिफिकेट है, 20 मार्क ऐसे ही मिल गया, तो उसके 200 हो गया, 200 से 200। और ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, 200 से 200 एक झुनझुन की लड़की रखा था, अभी वो हाल ही में लखनऊ में पोस्टिंग है, कभी बात होता है उनसे, तो उनके 200 में से 200 ही था, एक भी मार्क नहीं कटा था, 180 रखा था उन्होंने, उनको NCC से मार्क मिल गया, तो मिलने के बाद उनका 200 से 200 मार्क हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, वहाँ पर कट ऑफ आपके आए जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं। अगर आप सोच रहे हो 150 मार्क के कट ऑफ में 160 मार्क के आपका हो जाएगा, कहीं नहीं होगा, कितने भी कोशिश कर लो। कोई अगर यूट्यूबर बोलता है आप बुरा फंसोगे। हाँ, वो अगर शॉर्ट लिस्टिंग का होना ना, क्योंकि पहले क्या होता है CEE होता है और इसकी कट ऑफ आता है 160, 150, 140, लेकिन इसको करना क्या है, इसके कोई मतलब नहीं है, हमें नौकरी चाहिए। हमने शॉर्ट लिस्टिंग हो गए, रनिंग कर लिया, उसके बाद डॉक्यूमेंट हो गया, मेडिकल हो गया, मेरिट लिस्ट निकल गया, हमारा नाम ही नहीं आया क्योंकि हमने 150-160 स्कोर किया था, फिर क्या फ़ायदा गर्ल्स, इतना सारे चीज़ें काम करके लास्ट में वर्दी ही नहीं मिला जिस काम के लिए गए थे। आखिरी में लोग क्या पूछेंगे आपको, मैं क्या पूछूंगा, क्या आपकी जॉब हुआ, क्या आप क्या करते हो, यही तो पूछूंगा क्वेश्चन ना। ये थोड़ी आप बोलोगे कि सर मैं यहाँ पर गया था, मेरिट लिस्ट में कट गया, तो ऐसे थोड़ी होता है ना, ऐसे कोई नहीं सुनेगा ना आपका। तो इसीलिए ध्यान रखना, आपको जो मार्क्स लाना है वो किस में लाना है, आपको मार्क्स लेके आना है मेरिट लिस्ट में, और मेरिट लिस्ट का मार्क्स मैंने आपको क्लियर कर दिया, आपके माइंड में बैठा लो। अगर आपका NCC सर्टिफिकेट है ABC, तो जैसे 5, 15 और 20 मार्क मिलता है, सॉरी 10, 15 और 20, A के लिए 10, B के लिए 15, C के लिए 20, अगर आपने RD परेड भी किया है C के साथ तो 25 मार्क। अगर आप लोग का NCC है तो वहाँ पर अगर आपका 160 मार्क आता है ना NCC सर्टिफिकेट, तब तो आपके चांसेस बन जाएगा, क्योंकि 20 मार्क और मिल जाएगा 180, तब भी नहीं चांसेस बनेगा,
और 170 के आसपास आता है तो 190 स्कोर बन जाएगा, तब जाके होगा। माइंड में बैठा लो, अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है, नहीं है, 182 के ऊपर आपकी कट ऑफ जाना चाहिए। जहाँ पर भी बैठे हो बढ़िया से मतलब तैयारी करो, और इस तैयारी करने के लिए आपको चाहिए बेहतरीन बुक, बेहतरीन टॉपिक के ऊपर बेहतरीन बुक। इसलिए हमने एक प्लेलिस्ट शुरू किया है बेस्ट बुक का, आप जाके चैनल में चेकआउट कर सकते हैं बेस्ट बुक की प्लेलिस्ट। उसमें वुमेन मिलिट्री पुलिस का भी हमने डाल के रखा है, हर एक इस सब्जेक्ट का, हर एक बुक्स के। आपके आपको एफर्ट ज़्यादा करना ही होगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, पर एफर्ट आप एक्स्ट्रा नहीं लगाओगे आपकी नौकरी नहीं मिलेगा। एक बुक से आपका तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा, आजकल की जो वैकेंसीज और जो कंपटीशन है ना, तो मुश्किल है। इसीलिए हमने जो बुक्स आपके लिए सिलेक्ट किया है टॉपिक वाइज, हम उसे नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप उस डिस्क्रिप्शन में लिंक से बाय कर सकते हैं उस बुक को और पढ़ के अच्छे स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में कोई और डाउट्स है गर्ल्स, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हमारे पर्सनल मेल आईडी आपको चैनल की बायो मिल जाएगा, कोई भी आपके पर्सनल क्वेश्चन है वहाँ से हमें शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। जय हिंद।